गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मोशन अकेडमी। वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। हम मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक एंग्लो मराठा वॉर्स को डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में। उसके आगे हम बढ़ते हैं, एंग्लो सिख वॉर आज डिस्कस करेंगे, एज वेल एज सब्सिडरी अलायंस भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, पुट द हेडिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये लड़ाई अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1803 से 1806 रफली 3-4 साल ये लड़ाई चली। इस लड़ाई में क्या हुआ था, तो आप सबसे पहले तो ये लिखोगे, ये लिखने से पहले एक 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि नाना फडणवीस की डेथ हो गई थी 1800 में, याद है, वो आप लेक्चर्स देख लेना पहले वाले, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इन द ईयर 1800, इन द ईयर 1800, इन द ईयर 1800 मिनिस्टर फडणवीस डाइड एंड लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। आपको पता है इसने क्या क्रिएट की थी, कौन सी सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने क्रिएट की थी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने ये काम किया, उसके बाद अब उसके आगे से लिखेंगे कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद इन द मराठा एम्पायर। हमने कल देखा था कैसे होलकर, यशवंतराव होलकर ने पूरी सेना लेके वो अटैक किया था पुणे पे, बाजीराव भाग गया था अंग्रेज़ों के पास, ट्रीटी साइन की थी, सब्सिडरी अलायंस हुआ था, याद है ये सब कहानी पूरी। तो आप क्या लिखोगे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद इन द मराठा एम्पायर, विद इन द मराठा एम्पायर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में धीरे बोलो, ठीक है, लिखो धीरे, लिखो और धीरे बोलो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद इन द मराठा एम्पायर, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, आज इतनी स्लो क्यों है, इतनी ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, विद इन द मराठा एम्पायर। अब उसके बाद हुआ क्या था, आपको पता है कि मैंने कल कहा था कि बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे, उन्होंने होलकर प्रिंस था उसको मरवाने के ऑर्डर्स दिए थे। होलकर प्रिंस की डेथ होती है तो ऑब्वियसली उनके जो पिताजी थे यशवंतराव होलकर, उन्होंने और साथ में सिंधिया जो और मराठा चीफ थे, दोनों मिल के अटैक किया, कहाँ पे, पुणे पे, जहाँ पेशवा बैठता है। उनके अटैक से वो लोग जीत गए, बाजीराव सेकंड भाग जाते हैं, अंग्रेज़ों के पास जाते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं, आपको पता है ट्रीटी ऑफ बसई, ठीक है। तो मतलब बाजीराव सेकंड भाग के अंग्रेज़ों के पास गए, ट्रीटी ऑफ बसई। और आपको मैंने कहा था कल भी, आपको याद दिलाया था मैंने, याद है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, यही क्वेश्चन 2021 सीडीएस में आया, आंसर ये था कि किसने ट्रीटी साइन की थी अंग्रेज़ों के साथ, तो बाजीराव सेकंड वाज द ऑप्शन में गिवन था। ये ट्रीटी का आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब लिखो, इसके बाद अभी तो लिखा ही नहीं कुछ, तो आप लिखो पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड गिव ऑर्डर्स टू किल होलकर प्रिंस। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, कहानी याद रखनी है आपको। गिव ऑर्डर्स टू किल होलकर प्रिंस विच इन रिटर्न प्रोवोक्ड यशवंत राव होलकर सपोर्टेड बाय सिंधिया ऑफ ग्वालियर। कल एक सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, कौन, कल आपने देखा मोदी कैबिनेट का रीशफल हुआ है, मतलब मोदी कैबिनेट जो है हमारे पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एविएशन के, ज्योति आदित्य सिंधिया, वो यही है जो आप लिख रहे हो, सिंधिया ऑफ ग्वालियर।
इन्हीं के राजवंश में अभी ये रूल करते हैं, जो अभी अब आजकल क्या बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के? राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर? कुछ खास खास तो एटलीस्ट याद रखना है आपको, ठीक है? कितने वुमेन मिनिस्टर्स हैं मोदी कैबिनेट में? एक नहीं, 11 हैं, ठीक है, ध्यान रखो। कैबिनेट में? हाँ, ठीक है, कैबिनेट प्लस ऑल अदर मिनिस्टर्स सब मिला के, नॉट कैबिनेट। कैबिनेट में 2 हैं शायद, कल जो लेटेस्ट डेटा है उसकी बात कर रहा हूँ। आज का न्यूज़ पेपर पढ़ना बहुत जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको पता चल जाएगा ये सब बातें, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, 2.0 इसलिए क्योंकि पहले एक टर्म पूरी हो चुकी है 2014 से 2019, 5 साल मोदी गवर्नमेंट के पूरे हुए, तो मोदी गवर्नमेंट 1.0, फिर 19 से 2024 तो 2.0। जैसे इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, है ना, कांग्रेस के अलायंस, कांग्रेस पार्टी और उसके जितने भी अलायंस हैं उन सबको मिला के यूपीए बनता है। क्या फुल फॉर्म है यूपीए का? यूनाइटेड, आगे यूनाइटेड पॉलिटिकल अलायंस, एनडीए, अभी आप सुनते होंगे एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। ये बीजेपी और उसके अलायंस की जो पार्टीज हैं उनका ग्रुप है, उसको बोलते हैं एनडीए, ठीक है। अगर एक पार्टी अपने ही दम पे जीत जाती है इलेक्शन, गवर्नमेंट बना लेती है, बट उसके साथ में और भी पार्टीज आना चाहती है, तो वो सब मिला के फिर एक नया नाम देते हैं उस ग्रुप को। तो कांग्रेस देती है उसको यूपीए, बीजेपी देती है एनडीए, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में लिखो, यहाँ तक लिख लिया कि प्रिंस को मारा, सपोर्टेड बाय सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद लिखना बाजीराव सेकंड फ्लू टू ब्रिटिशर्स, बाजीराव सेकंड फ्लू टू ब्रिटिशर्स एंड साइंड अ ट्रीटी दैट इज ट्रीटी ऑफ बसई, दैट इज ट्रीटी ऑफ बसई 1802, दैट इज ट्रीटी ऑफ बसई 1802, ब्रैकेट लगाओ ट्रीटी के आगे, उसमें लिखो इन दिस ट्रीटी पेशवा वॉज मेड सब्सिडरी अलायंस, पेशवा वॉज मेड सब्सिडरी अलायंस अंडर द ब्रिटिशर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, ट्रीटी भी और ये लाइन भी। तो पेशवा वॉज मेड सब्सिडरी अलायंस अंडर द ब्रिटिश, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब उसके बाद में क्या था, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखना इस ट्रीटी की वजह से बाकी मराठा चीफ्स बहुत नाराज हुए, उनको इंसल्टिंग फील हुआ था, आपको पता है। तो दिस ट्रीटी कॉजेस ग्रेट ग्रिफ अमंग द मराठा चीफ्स, दिस ट्रीटी कॉजेस ग्रेट ग्रिफ अमंग द मराठा चीफ्स, मराठा चीफ्स इन विच भोसलेस एंड सिंधिया, भोसलेस एंड सिंधिया अटैक्ड द ब्रिटिश सेटलमेंट। कल मैंने देखा था चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, इन्होंने भी किया था, ब्रिटिशर्स इनसे पहले से तैयार थे, राइट, ब्रिटिश सेटलमेंट। एंड फाइनली दे ऑल डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, दे ऑल डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, दे ऑल डिफीटेड बाय द, नहीं, ठीक है, डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखो इसके नेक्स्ट आपके क्या आपके पास है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तो पुट अ हेडिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तीसरी लड़ाई, फाइनल बैटल, इसमें क्या होता है, आपको अब तक तो पता है कि पेशवा एक सब्सिडरी अलायंस बन चुका है, ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस अभी जब मैं आपको इसके बाद तुरंत बाद वो ट्रीटी ही पढ़ाऊंगा,
तो जब भी कभी भी कहीं भी आपने पास पीछे भी लिखा हुआ है, जब भी मैंने आपको कहीं लिखवाया है कि सब्सिडियरी अलायंस किसी के साथ में साइन की है, तो आपको एक बात दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि उस ट्रीटी के अंदर एक प्रोविज़न था कि ब्रिटिशर्स एक अपना ऑफिसर हमेशा, जो भी रॉयल फैमिली राजे रजवाड़े, उसके दरबार में एक अपना ऑफिसर बिठाएंगे। जैसे लगान मूवी में आपने देखा था, वो कैप्टन रसल था, तो लगान मूवी में जो कैप्टन रसल है वो किसका प्रोविज़न था? वो प्रोविज़न था सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी का। ठीक है, अभी ट्रीटी पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्या है। तो जब मैं आपको इससे पहले स्लाइड में अगर मैंने ये लिखा है, यहाँ अगर मैंने लिखा है कि पेशवा सब्सिडरी अलायंस बन चुके हैं, इसका मतलब आपको ये मानना है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक मिलिट्री ऑफिसर कहाँ पे था? मराठा एम्पायर में मौजूद था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, अब वो मौजूद होगा तो वो कोई उनका फ़ायदा देखेगा नहीं, वो ब्रिटिशर्स का फ़ायदा देखेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया, इसलिए मैं और डिस्कस नहीं करूँगा। हेडिंग लिख लिया सबने, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। अ ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज ऑलरेडी अपॉइंटेड इन द मराठा एम्पायर। A British resident already appointed in the Maratha Empire under subsidiary alliance, ठीक है, एक नोट डालो इसके बाद, और नोट में लिखो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर अबॉलिस्ड which leads to reduction in their business, full stop, next line, to cope up the losses, Britishers wanted to capture more and more area, क्योंकि वेलेस्ली का तो थॉट यही था, उसके दिमाग में तो यही बात थी, वो करके गया। अब उसके बाद में जो नया आएगा देखो उसमें क्या होता है, हेस्टिंग, वो भी हेस्टिंग्स थे, तो कैप्चर मोर एंड मोर एरिया फुल कॉमा, इट विल इंक्रीज रॉ मटेरियल डिमांड, it will increase raw material demand and market, full stop, next line mein likho, the main cause behind third war was that Britishers wanted to Britishers wanted to check the influence of Pindaris, कल हमने डिस्कस किया था, Britishers wanted to check the influence of Pindaris, ब्रैकेट लगाओ और लिखो, they were the tribal people who used to loot areas and merchants under Maratha Empire, bracket close, ठीक है, full stop, उसके बाद लिखो next line में, English interference, क्योंकि एक officer बैठा हुआ है तो वो बार बार टांग अड़ाएगा इनके रोज़मर्रा के कामों में और वहीं से कुछ problem शुरू होगी बहुत सारी, तो English interference gradually started
इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मराठास। तो इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मराठास, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, द किलिंग ऑफ गायकवाड एम्बेसडर। गायकवाड ने पहले ही ट्रीटी साइन कर ली थी अंग्रेजों के साथ, तो वो काइंड ऑफ दोस्ती प्यार मोहब्बत के चक्कर में थे। तो किलिंग ऑफ गायकवाड एम्बेसडर बाय द मिनिस्टर्स ऑफ पेशवा इन पुणे ट्रिगर्ड द बैटल नेक्स्ट लाइन, इंग्लिश रेसिडेंट आस्क्ड पेशवा टू हैंड ओवर द कल्प्रिट। इंग्लिश रेसिडेंट आस्क पेशवा टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू हैंड ओवर। एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैंड ओवर द कल्प्रिट बट ही रिफ्यूज टू डू सो, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन, एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स अटैक द पेशवा। एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स अटैक्ड द पेशवा ऑन 13 जून 1817। अटैक द पेशवा ऑन 13 जून 1817, फुल स्टॉप। सब्सिक्वेंटली मराठा कन्फेडरेसी, सब्सिक्वेंटली ये लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली मराठा कन्फेडरेसी एंड पेशवाशिप, सब्सिक्वेंटली मराठा कन्फेडरेसी एंड पेशवाशिप वर अबॉलिस्ड। अब ये दो पॉइंट अभी जो लास्ट में लिखा है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आपको लास्ट लाइन, ठीक है। तो वो अबॉलिश हो गया था, ये तो तीनों बैटल हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब आपको पता चलना कि रीज़न क्या है, मराठा डिफीट क्यों है। कभी हालांकि इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर चांसेस है, आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि मराठा डिफीट क्यों है, ठीक है। प्राइम रीज़न तो आपको पता है, मेन रीज़न क्या था, खुद ही उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट और लिखो, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। सब हेडिंग है क्या कि वाई मराठा डिफीटेड, मराठा इतना बड़ा एम्पायर क्यों डिफीट हो गया ब्रिटेन से। तो एक एक तीन चार पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्यों हुआ। तो पहला तो आपको क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लैक ऑफ यूनिटी अमंग मराठा चीफ्स। पहला नेचर तो यही था, लैक ऑफ यूनिटी अमंग मराठा चीफ्स। ठीक है, उसके बाद में लिखो, द वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर पेशवा आपने देखा पेशवा बनने के लिए तो बहुत कुछ खराब हो गया। दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो इसके बाद, द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ मराठा किंग्स। बहुत दूर तक सोचते नहीं थे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ मराठा किंग्स, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स की भी तो कुछ तारीफ करनी पड़ेगी, कैप्टन असल की, वो भाई साहब भी तो खुश हो रहे हैं, उन्होंने सबका मतलब काम तमाम किया, तो उनकी क्या खास बात थी, अंग्रेज़ों की क्या खास बात थी बताओ। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट थी, और क्या खास था, वो तो स्ट्रेटजी में ही आ गया, और क्या था। कल मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया बताओ, मैं इतना डिस्कस करता हूँ और इतना भी नहीं बताते, फिर मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा, बताओ क्या पॉइंट होंगे। और ब्रिटिशर्स की क्या खास बात थी, पावरफुल कैसे हो गए थे, मॉडर्न वेपन्स, यस, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, स्ट्रेटजी अच्छी थी, और वो हाँ उनके पास यूनिटी थी, सपोर्ट अच्छा था, पैसा भी उनके पास अच्छा था,
बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास, एक एक करके हम लिखेंगे। तो लिखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि एक तो पॉलिटिक्स खेलने में उस्ताद थे वो, आपको पता ही ना डिवाइड एंड रूल एंड कहाँ मौका देखना है, कैसे अटैक करना है ना। तो डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं राजनीति, आपको पता है पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी कुछ भी कह सकते हो उसको। तो लिखो इंग्लिश वर वेरी गुड इन डिप्लोमेसी, इंग्लिश वर वेरी गुड इन डिप्लोमेसी। आज भी उनको ये सब उनके उनके बच्चों को थोड़ी पढ़ाते हैं ये सब हिस्ट्री, वो तो खुश हैं, वो तो उनको तो ये पढ़ाते हैं हमने इंडिया को क्या क्या दे दिया, गरीबों को क्या क्या दे दिया हमने, राइट। तो इट्स लाइक वहाँ के बच्चों को ये सब नॉलेज नहीं है, उनको तो लगता है कि हमारा एम्पायर हो भाई क्या एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर, मज़ा ही आ गया। अभी आगे देखना फिर आपको पता चलेगा कि कितनी हालत ख़राब इंडिया की उन्होंने, नॉट ओनली इंडिया दैट टाइम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो, फिर वो तो बाद में आज़ाद हुए। तो उनकी डिप्लोमेसी अच्छी थी, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो आप लास्ट कि सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स एज कंपेयर टू मराठा, मराठा भी यूज करते तो कुछ और होता। तो लिखो सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स, सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स यूज बाय ब्रिटिशर्स एज कंपेयर टू मराठास, ठीक है। और ये तीनों लड़ाई आपके सामने है, तीनों लड़ाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से क्यों रोल आउट किए हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बहुत। पहली लड़ाई के बाद आपको पता है फाइनल ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, माधव राव को क्या बना दिया था, पेशवा, याद है आप लोगों को। सेकेंड के बाद माधव राय को मारने की कोशिश करी थी, हाँ, तो उसके बाद एक और बच्चा आया था माधव राव सेकेंड, अभी वो पूछ लेना बाद में, ठीक है। तो पेशवा को क्या बनाया था, ऐसे सब्सिडरी अलायंस, और तीसरे में तो मराठा कॉन्फेडरेसी और पेशवा दोनों क्या हो गए थे, गायब, ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, आई होप ये अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर पढ़ा है तो एग्ज़ाम कोई भी हो आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो, अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे कई बार कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, एसर्शन और रीज़न का मतलब भी क्या है, यही बहुतों को तो यही नहीं पता चलता कि इसका ये क्वेश्चन इतना सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होता, हालांकि बहुत आसान है, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, राइट। क्या है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दी एसर्शन क्या है, दी मराठा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव, नेटिव मतलब लोकल पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। पहले दिन से यही कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ कि जब मुगल डिक्लाइन पे गए थे तो कौन राइज हुआ था, मराठा। जब मराठा डिक्लाइन पे गए हैं अभी आपने पढ़ा, तो कौन ऊपर आ रहा है, ब्रिटिशर्स। अगर ये सीक्वेंस पकड़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी, मैंने आपको शुरू से बोला है, कहीं एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, बस आपको ढंग से जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आप आईएएस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, नहीं कर पा रहे तो फिर वो एक इशू है। तो ये स्टेटमेंट मतलब ए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर ए ठीक है तो ए यहाँ पे फॉल्स कह रहा है ये, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये ट्रू कह रहा है, ठीक है, ये भी ट्रू कह रहा है, ये भी ट्रू कह रहा है, अभी तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, राइट। अब देखो रीज़न क्या दिया है, इस स्टेटमेंट का रीज़न कुछ दे रहे हैं, वो क्या रीज़न है, मराठा वर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन। अब एक का भी गलत हुआ ना तो गेट खोल के बाहर भेजूंगा मैं यहाँ से। अभी भी पॉइंट लिख के हमने आगे बढ़े, अभी लिखे है पॉइंट आपने, पहला पॉइंट ही यही था, सही है। अब दीदी तो पक्का पास जाएगी, ये पॉइंट सही है गलत है, क्या लग रहा है आपको, आप न्यू आए हो, जितना अभी तक समझा आपने उसके हिसाब से क्या लगता है आपको, सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए। एक काम करो, इसका आंसर देखने से पहले आप अपनी किताब में अभी जो आपने लिखा कि वाई मराठा एम्पायर फेल्ड का पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट लैक ऑफ यूनिटी किस में थी, मराठाओं में, वो खुद उनकी आपस में नहीं बन रही, वो क्या यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे, कहाँ बोला मैंने ऐसा कि यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। और मैं तब से कह रहा हूँ कि इंडिया का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, सब अपने आप को देश समझते थे, जयपुर एक देश है, जोधपुर देश है, मराठा अपना एक देश है, मुगल एम्पायर वो अपने आप को एक देश मानते थे, अलग कंट्री मानते थे, इंडिया कोई कंसेप्ट ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। तो भी अगर मैं एक ही लाइन मेरी सुनी होती तब भी ये आंसर गलत था, तो आज अगर गलत है इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है, तो रॉन्ग है तो आंसर क्या होगा, ओनली सी इज करेक्ट, आंसर क्या होगा, सी, समझ में आया, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ये, बहुत सिंपल है, एग्जाम में इससे भी कंफ्यूज करेंगे आपको,
तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, आप खुद सोचो, लॉजिक जाना है। ऐसा यूपीएससी में नहीं होने वाला, मैं गलत फहमी दूर कर देता हूँ कि सर ने लिखवा दिया बस यही कि छाप के आ जाओगे वहाँ पेपर में, ऐसा नहीं होता। फिर अगर लिखवाना ही होता तो मैं समझाता क्यों? फिर आपको जो समझा है ना आपने, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, धीरे धीरे सीखो पर सीख जाओगे। और ये सब कब होगा? जब आपने मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगी, इसके टेस्ट सीरीज नहीं है तो मुझसे ले जाना फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के सॉल्व करके जाने हैं। अगर आप इतना कर लोगे मैं अश्योर करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। और सिर्फ सोचो कि मैं पढ़ लूँ और फिर वहाँ जाके देखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, समझ में आया? तो इसके बाद सब जगह से रेड सिग्नल मिल गया है, अब आखिरी कौन बचे हैं? सिख। इनको भी फटाफट ख़त्म करते हैं, टाइम कितना हुआ? तो देखो सिख, अब सिख एम्पायर इसमें मात्र 10 मिनट भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है। पहले तो हमने जो पढ़ा उसमें हमने बहुत टाइम लिया था, आपको बताइए। अब सिख एम्पायर में आपको एक चीज़, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मराठा हमने पढ़ा था तो आपको याद है मैंने कहा था कि वेलेस्ली आए थे इंडिया में, वो सब्सिडी अलायंस लेकर आए, ठीक है। वेलेस्ली के एक छोटे भाई भी थे, वैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी जैसे आपको पता है कि इससे पीछे हमने पढ़ा था कि वेलेस्ली के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या लेके आए थे, सब्सिडी अलायंस। इनका पूरा नाम क्या था? रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इनके एक छोटे भाई थे आर्थर वेलेस्ली। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, फिर जब पूरा नाम आता है तो वेलेस्ली वेलेस्ली याद रहता है बस, है ना, तो वेलेस्ली हो जाते हैं फिर उधर। तो इसका मतलब क्या है? रिचर्ड वेलेस्ली ये भाई साहब थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ध्यान रखना। कौन? रिचर्ड वेलेस्ली। ये मेरे को अभी पॉइंट इसलिए याद आया क्योंकि जब बच्चे आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो वहाँ आपको फिर पूरा नाम देंगे, फिर कन्फ्यूज जाओगे आप दोबारा कि सर ने तो बताया नहीं था, इसलिए ऑलरेडी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो रिचर्ड वेलेस्ली है, हालांकि जब गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तब दोबारा बता दूंगा। आर्थर वेलेस्ली ये तो भाई साहब बहुत लेजेंड माने जाते हैं ब्रिटेन की हिस्ट्री में। इन्होंने नेपोलियन को हराया था, आपको पता है नेपोलियन, वाटरलू की लड़ाई, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो, वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी हो, 1815 में नेपोलियन बढ़ता ही जा रहा है पागलों की तरह, है ना, अलेक्जेंडर के रास्ते पे, उनको रोका इसने था, इन्होंने तो मराठा को हराया। फिर आपने देखा ना जो आर्मी, मैं आप कह रहा था ना कि अभी जो जस्ट आपने थर्ड बैटल पढ़ी, सेकंड बैटल पढ़ी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कौन कर रहा था, वो एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊँ, लीड ये कर रहे थे इनके छोटे भाई। तो बड़े भाई ने फ़ोन किया, छोटे भाई प्लीज़ संभालो, दो लड़ाई जीत गई है। तो ये तो पहले नेपोलियन को हरा के आए, ऊपर से इन्होंने ये लड़ाई जीती। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें इन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी की लड़ाई सबसे बेहतरीन जो लड़ाई थी वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी, बहुत मुश्किल टेरेन में जीता है, आप अभी उसका अंदाज़ा लगा भी नहीं पाओगे। मतलब नेपोलियन को हराना भी इनके लिए बड़ी बात नहीं थी, इनके लिए बड़ी बात थी मराठाओं को हराना। तो सोचो मराठाओं का वर्चस्व उस टाइम पे, खौफ लोग खाते थे आसपास के एम्पायर में कि यार मराठा आ जाएंगे तो मतलब हार निश्चित है, उनको हराना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों? मुगल्स तो उस समय तक काफ़ी वीक हो चुके थे, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना, मुझे याद आ गया। अब बात करते हैं सिखों की, सिखों के बारे में हम अगेन टू द पॉइंट चलेंगे। सिख एम्पायर आपको पता है कहाँ पे है? आज का पंजाब जो आपको दिखता है, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, आपको पता है पार्टीशन के टाइम पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब वहाँ भी है, पंजाब यहाँ भी है। अब ये मैप थोड़ा ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप मैप को अच्छे से देख सकते हो, कुछ जो एरिया येलो में शेड किया हुआ है वो है आपका सिख एम्पायर, ठीक है। अब एम्पायर तो आपको पता है चेंज होते रहते हैं, कभी एरिया कम कभी ज़्यादा, बट ये पीक टाइम का है। पीक टाइम मतलब जब इनके एक रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। 1839 में क्या था कि आप ध्यान रखना, 1839 में ये पीक पूरा एम्पायर था सिख एम्पायर, ठीक है। आपको आइडिया ले लो, देखो कहाँ पर है। आपको दो चीज़ें समझनी है, टाइम चल रहा है 1839, ठीक है, और ये देखो यहाँ तो आपको पता है तिब्बत का एरिया नेपाल, इससे पहले ये राजपूताना, ये पूरा ब्रिटिशर्स कब्जा चुके हैं, बंगाल कब्जा चुके हैं, इसके नीचे का भी कब्जा चुके हैं, कैसे? मराठाओं को हरा दिया था। राजस्थान में राजस्थान भी पूरा कब्जे में आ चुका है इस टाइम तक, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि जब मैं आपको वो ट्रीटी पढ़ाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके तहत पूरे राजस्थान को सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप ये दोनों यूज़ की थी राजस्थान में, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इसको यहाँ तक पहुँचने से पहले सब कुछ ब्रिटेन के अंडर में आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ बचा ही नहीं, आप ये समझ लो, क्योंकि अब जो बाकी रह गया वो ये है सिख एम्पायर, उस समय का पाकिस्तान, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसमें, फटाफट से क्लोज करेंगे इस टॉपिक को आज। यहाँ पे आपको पता है कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर लेक है कैलाश माउंटेन से यहाँ पे ना, जहाँ पे शिव जी ने क्या तपस्या वगैरह की थी, आपको पता है बहुत ही सेक्रेट प्लेस है। मानसरोवर यात्रा भी जाती है, चाइना से परमिशन लेते हैं हम, राइट। अभी अभी आपको पता है डिस्प्यूट भी हो गया था नेपाल के बीच में, यहाँ पे
यहाँ पे काली रिवर है, लीपू दरिया, ठीक है, इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। नेपाल हमसे नाराज़ है क्योंकि हमने जब नया मैप अपना अपडेट किया तो वो एरिया हमने अपने अंदर शामिल कर लिया, हालांकि हमारे अंदर ही था ऑलरेडी। तो नेपाल ने उसका प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये तो हमारा है, पर हमने उनको बोला कि भाई अंग्रेज़ों के टाइम से अंग्रेज़ों ने कब्जा लिया था तो वो हमारा है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, मेरा कहने का मतलब ये, वो नदी थी सतलुज रिवर, आपने सुना होगा इसके बारे में, पंजाब में होके बहती है फिर पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी के साथ मिक्स हो जाती है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है ये, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, पढ़ा ना मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो हम, तो सतलुज रिवर यहाँ से निकलती है। अब इस रिवर को आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, क्यों, हमें एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि अंग्रेज़ों ने इसको जीता कैसे, हमें मतलब इतनी सी बात से हम इनकी हिस्ट्री पढ़ने नहीं वाले हैं, समझ में आ रहा है सबको। इसका मतलब हमें उस टाइम पीरियड को देखना है जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेज़ों ने इस पे अटैक किया और इसको कब्जा लिया, ख़त्म, क्योंकि हम डील कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, हम पंजाब की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि सतलुज रिवर का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि आप देखो इससे वेस्ट की तरफ तो आपको मिलेगा पूरा सिख एम्पायर, पश्चिम में क्या है, पूरा सिख एम्पायर दिख रहा है आपको, और आप देखोगे इससे ईस्ट की तरफ अब जो नए हीरो बन के कौन आ चुके थे, ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। तो कैप्टन असल ने बोला भैया, अब इसको समझाया कि अब तो ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल हो चुके थे राइट नाउ। तो आप ध्यान रखना कि अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में कैप्टन रसल ने ये सोचा कि भाई अब तो हमारे पास इतना एरिया कैप्चर है, हम किसी डरने वाले नहीं, वो इतने स्ट्रांग हुए थे मिलिट्रीली, हर जगह उनकी छावनियाँ इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो अब क्योंकि धीरे धीरे एरिया कैप्चर होगा तो वहाँ पे वो अपना क्या करेंगे, कॉलोनी बसाएंगे, लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, मिलिट्री बसाएंगे, तो अच्छा खासा एक कह सकते हो आप कि पूरी तरह से कब्जा हो गया था किसका, ब्रिटेन का, पूरा इंडिया पकड़ में आ गया था ऑलमोस्ट 90%, ये 10% बाकी रह गया था बस, समझ में आ रहा है। मराठा एम्पायर का शामिल होना ब्रिटेन में 40-45% एरिया उनको आराम से मिल गया, पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या होगा कि इनको अंग्रेज़ों ने बोला, देखो भैया अपनी औकात में रहना, इसकी नदी के इस तरफ आए तो मार दिए जाओगे, लक्ष्मण रेखा ही है ना, रामायण में देखा होगा आपने, बोला इस तरफ आए तो गए काम से। तो एक ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, एक पीस ट्रीटी की तरह कि ठीक है हम इसके इधर नहीं आएंगे, आप उधर नहीं आएंगे। पर ये कब हुआ और अंग्रेज़ों ने ये उनको क्यों बोला, ये भी तो रीज़न है। ये इसलिए बोला क्योंकि देखो जब तक आपको ध्यान रखना है कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जो है ना वो होती है, उनकी डेथ के बाद सिख एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू होता है। कभी भी अंग्रेज़ों ने, आपने जितनी भी हिस्ट्री अब तक पढ़ी आपने यही नोटिस किया है कि जब जब कोई पावरफुल रूलर था तब तब इन्होंने अटैक उधर नहीं किया। जब वो स्टेट कमज़ोर हो गया, चरमराने की हालत में आ गया, वहाँ पे राजा बनने की होड़ चल गई, बस इसी बात, इसी टाइम पे एंट्री होती किसकी, ब्रिटेन। जैसे पुलिस होते हैं, सब कुछ हो गया आखिर में क्या हुआ भाई, तो लाइक दिस ब्रिटेन भी ऐसे ही कर रहा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, उस समय पंजाब एम्पायर में क्या था, उससे प्रोविंसेस को बोलते थे मिसल, क्या बोलते थे वहाँ पे, मिसल, जैसे प्रोविंसेस, प्रोविंस इज नथिंग बट ए स्टेट, स्टेट को प्रोविंसेस आप बोल दो, ठीक है। साउथ इंडिया पॉलीगास जागीर बोलते हैं, आपको मैंने बताया था याद है, तो उसको मिसल्स बोलते थे। तो पूरा एम्पायर 12 टुकड़ों में टूटा हुआ था, 12 मिसल में, कहने का मतलब है पूरा सिख एम्पायर 12 टुकड़ों में टूटा हुआ था। वहाँ पे इनके, ये जो महाराजा रंजीत सिंह दिख रहे हैं, इनके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स थे वो वहाँ बैठ के संभालते थे, और मेन ये कहाँ बैठते थे, लाहौर में, कभी मुल्तान में, अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते थे। तो आप देखो कि ये सिख एम्पायर की कुछ कंडीशन ऐसी थी। उसके बाद में रंजीत सिंह का जो टाइम पीरियड आप ये देख सकते हो, रफली 38 ईयर तक इन्होंने रूल किया, ये इनको शेर पंजाब भी कहते हैं, काफ़ी इन्होंने एरिया को एक्सपेंड किया, काफ़ी बहुत ही कह रहे हैं कि बहुत पावरफुल एक सिख एम्पायर के ये क्या थे, राजा थे। इनकी डेथ हुई 1839 में, बस सारी प्रॉब्लम शुरू वहाँ से हो गई। जब भी पावरफुल राजा की डेथ होगी, एम्पायर कोलैप्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर कोई दूसरा जो रूलर आ रहा है वो इतना पावरफुल नहीं हुआ, या एक साफ हमें दिख रहा है कि हाँ भाई इसके बाद तो यही बनेगा, वॉर ऑफ सक्सेशन नहीं चलना चाहिए। वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है तो फिर गड़बड़ शुरू होती ही होती है, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मिसल थे वो सब यूनाइटेड थे, सिख एम्पायर बनता था, पर जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो इनके जो सबसे बड़े होते हैं भाई एल्डर्स खड़क सिंह, वो इसको क्या करते हैं, सक्सीड करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये आराम से नहीं कर लेते हैं, और भी बहुत लोगों को ये मौत की घाट उतारते हैं उससे पहले, ठीक है। वो पूरी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, किताब में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब तक सिख स्टेट वीक हो चुका था, हमको ये चीज़ें समझनी है कि इनकी डेथ के बाद सिख स्टेट वीक हो गया। अब सिख स्टेट को तो बस दो लड़ाइयाँ लड़ी और तुरंत इनको शामिल कर लिया, किसमें,
ब्रिटिश इंडिया के अंदर। कैसे किया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी भी हार्डली 10 साल में एक दो क्वेश्चन आए होंगे मुश्किल से, वो भी मैच द फॉलोइंग में आए थे ट्रीटी करके, ये दिख रहा है आपको सीक्वेंस में, इसलिए मैं इस पर कम ध्यान दे रहा हूँ। मराठाओं को आपने इतने डिटेल में क्यों पढ़ा? क्योंकि उस पर एक ही टॉपिक पर तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो आपको ये भी देखना है किस टॉपिक पर ध्यान ज़्यादा है, किस में कम है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, इनके कॉन्फ्लिक्ट के बीच, अंग्रेजों और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जस्ट बिकॉज अंग्रेजों को चाहिए मैक्सिमम एरिया, और उनको पता है, उनको एक चीज़ का और डर था कि जो सिख एम्पायर है आपने देखा नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे क्या और भी यूरोपियंस आ सकते थे, उनके दुश्मन रशिया से उनकी नहीं बनती थी, रशिया की एंट्री भी वहाँ से हो सकती थी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इस समय बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने सिख एम्पायर को शुरू शुरू में ये चाहते थे कि इनसे कोई दुश्मनी ना हो, एक अच्छी सी बहुत प्यार मोहब्बत की ट्रीटी हो जाए कि भैया ठीक है आप हमारा सम्मान करो, हम आपका करें, आप बस ये ध्यान रखते हैं कि भाई जो नॉर्दर्न बॉर्डर है जहाँ पे सिख एम्पायर है वहाँ से एक सुरक्षा हो जाए ब्रिटेन के लिए कि भाई कोई और हम पे अटैक ना कर दे। अफगान जो अफगानिस्तान से कई बार इंडिया पे इन्वेजन्स हुआ करते थे, अटैक हुआ करते थे, बट क्योंकि रंजीत सिंह थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये संभाल लेते थे। इनके मरने के बाद जो खड़क सिंह वगैरह वो इतने पावरफुल रूलर नहीं थे, तो ब्रिटेन ने सोचा भाई ये तो डूबेंगे डूबेंगे हमको भी लेके डूबेंगे, समझ में आया? और क्या हुआ, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि सतलुज रिवर के वेस्ट के आप रहोगे, ईस्ट में हम रहेंगे, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। अब हुआ क्या कि ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई से पहले जब उनको लगता है कि भाई जो सिख एम्पायर है वो वीक होता जा रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने उनके सामने एक और ऑफर रखा, उनको बोला कि देखो आपका एम्पायर है इंटरनल कोलैप्सिस हो रहे हैं, राइट, जो आपके जितने भी 12 मिसल थे वो भी आपसे अलग अलग हो रहे हैं, सिंध अलग हो गया था, मुल्तान ने अपने आप को अलग डिक्लेयर कर दिया था, तो ये होता क्या है, यही आपने मुगल एम्पायर में देखा, यही आपने किस में देखा, मराठा एम्पायर में, जब पावरफुल रूलर मर गया तो उसके साथ के जो छोटे मोटे हैं वो सब अपने आप को बोलेंगे हाँ मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी, चल निकलो यहाँ से, राइट, कुछ कर नहीं सकते आप। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनके साथ में एक जो ट्रीटी साइन की थी उसके अकॉर्डिंग एक हमेशा एक आदमी इनके दरबार में रहेगा, पर इट इज़ नॉट सब्सिडरी अलायंस, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं किया था, सब्सिडरी अलायंस ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ट्रीटी है। उसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल ट्रीटी करते हो, एक नॉर्मल समझौता कि भाई हम सतलुज के इधर नहीं आएंगे, आप उधर मत आना, ठीक है, और आपको क्या होगा कि हमें चीज़ें तो बहुत सारी थी पर वो सब मैं आपको इसलिए नहीं बताना कि आपके काम की नहीं है। उसमें अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम बिजनेस करेंगे तो आप बीच में मत आना, हम आपका रूट यूज़ करेंगे टू एक्सपोर्ट जो भी हमारा सामान वगैरह। तो सिख एम्पायर में वो लोग एग्री हो गए थे कि उनको पता चल चुका था कि ब्रिटेन बहुत पावरफुल है। आप सोच रहे होंगे वो एग्री क्यों हुए, क्योंकि ऑलरेडी पूरी जगह पे कब्जा ब्रिटेन का ही था, सबको पता था, और महाराजा उनके बाद जो और भी नेक्स्ट रूलर है उन सबको मालूम था कि हम इतने पावरफुल नहीं है। बट हुआ क्या कि जो एक मेजर ब्रॉड करके जो हमेशा अमृतसर में स्टेशन रहते थे, अमृतसर आपको पता ना आज की डेट में, तो ये क्या पंजाब को ढंग देख रहे थे और ये चाहते थे कि सिख फोर्सेस ने 1845 में क्या किया, एक ऑफेंसिव स्टेप उठाया और किसको क्रॉस किया, सतलुज रिवर को, ठीक है, क्योंकि सिख फोर्सेस में क्या है कि इनका जब भी खड़क सिंह बन गए, अब ये भाई साहब सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं तो बन गया, अब तो कोई और राजा है नहीं, अब तो कोई वॉर ऑफ सक्सेशन भी नहीं होगा, अब मैं क्या करूँगा, हमें हमारी सेना को जो हमारा पहले का एरिया था महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का उसको कैप्चर करना है, सतलुज रिवर के उस तरफ का एरिया है ना, ये तो बाहर के लोग हैं ये कैसे आ सकते हैं। इन्होंने ऑफेंसिव स्टेप लिया, आप खुद देखो इन्होंने स्टेप लिया, पहले सिख एम्पायर ने स्टेप लिया, अंग्रेज़ों ने कुछ भी नहीं किया था, जब इन्होंने स्टेप लिया तो वो मजबूर हो गए अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने के लिए। अब क्यों हो गए, क्या सचमुच में उनका पूरा एरिया था? आप ध्यान रखना, जब भी अंग्रेज़ सब्सिडरी लाइन साइन करते हैं, मान लो मैंने किसी के साथ में साइन की, मैं अंग्रेज़ हूँ तो मैं उसको सब्सिडरी लाइन्स में प्रॉमिस करूँगा कि उसको बचाऊँगा मैं हर लड़ाई से, अंदर और बाहर, इंटरनली एक्सटर्नली अंग्रेज़ जिम्मेदारी लेते थे कि हम आपको बचाएंगे। तभी तो वो जो राजा है वो अपनी सेना आधी कर देता था, सेना बिल्कुल ख़त्म कर देता था, क्योंकि उसको पता है कि ठीक है अंग्रेज़ बचा लेंगे, इसलिए अंग्रेज़ों की जिम्मेदारी थी कि उसको बचाना ही बचाना है अगर आपने ट्रीटी साइन की है। तो अंग्रेज़ों ने उनको डिफाइन किया, डिफाइन करने में सीधी सी बात है हार गए भाई साहब, कौन हार गए, सिख एम्पायर, क्योंकि ब्रिटिश तो आप समझ लो बहुत पावरफुल हो चुके थे, और सबसे ज़्यादा इनको पता है टेक्नोलॉजी इनके फेवर में थी, हमेशा फेवर में थी, इस टाइम तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुका होगा इंग्लैंड में, तो और बेहतरीन तरीके से इन्वेंशन शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट लड़ाई भी ज़्यादा बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कुछ दिनों की लड़ाई थी ये आप समझ लो, पर छोटे छोटे पैचेस में हुई है, कभी अभी थोड़ी अभी ये थोड़ा यहाँ थोड़ा आगे ऐसे करके, समझ में आया? ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना, बस सिख रिवर को क्रॉस किया। अब क्या वो जो बैटल है सिख फोर्सेज दोनों हुई, अब ये यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है लाहौर में बैटल के बाद,
हर बार आपको पता है कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी ने क्या क्या लड़ाई को ख़त्म किया, इस लड़ाई में अब क्या हुआ देखो। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, इस लड़ाई में एक ब्रिटिश रेजिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ आफ्टर इस लड़ाई के बाद में। सर हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन सिख कोर्ट, ठीक है, कि भाई हमारा अब ऑफिशियली एक आदमी आपके कोर्ट में रहेगा और वो आपके इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, बट हमारा काम जो आपके स्टेट के रेफरेंस में करना है बिजनेस वगैरह उसको देखेगा। अब उनको एग्री होना ही था, ऑलरेडी वो हार चुके थे, बट क्या हुआ हारने के बाद उनको प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत इंसल्ट फील हुई। इंसल्ट इसलिए फील हुई क्योंकि जब ये सर रॉलेंस बनेंगे तो आप ध्यान रखना, अगर आप इनके बारे में कहीं पढ़ना चाहो अलग से पढ़ सकते हो, तो इन्होंने जाके ना इंटरफेरेंस बहुत शुरू कर दिया जाके, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों रखा है, इनकी सैलरी कम करो, ये इसका ऐसा करो, राइट। अब ये सब जो सिख एम्पायर के जो सोल्जर्स थे उनको बहुत इंसल्टिंग फील होता था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी जगह पे ये आ रहा है, कोई भी रूल कर रहा है, हमें ऑर्डर्स दे रहा है। तब तक भी वो बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो ठीक है, चल रहा है, इट्स ओके, चल रहा है। पर क्या हुआ कि सिख फोर्सेस ने मन ही मन तो ठाना था कि भाई हम रेवेंज लेंगे अंग्रेज़ों से, हमारा जो बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, उसकी हम बदला लेंगे। बट क्या हुआ कि एक इनकी एक रानी थी, रानी जिंदान जो थे ना रॉयल फैमिली में, उनके साथ में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, उनको जो जिस महल में वो रहती थी उनको वहाँ से निकलवाया गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहाँ स्टेशन किया गया, उनको कहीं और शिफ्ट किया गया छोटे से महल में। तो इट्स काइंड ऑफ इंसल्टिंग, बहुत इंसल्टिंग बात होती है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें जैसी ये सब छोटी 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 चीज़ें बहुत सारी हुई थी लाइन सीक्वेंस में, वो सब मैं नहीं लिखी यहाँ पे, बस आपको ध्यान रखना है। तो उन सब चीज़ों का जब बहुत ज़्यादा हो गया तो ध्यान रखना, इन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमें रेवेंज लेना चाहिए अंग्रेज़ों से। चल रही थी ये बातें आपस में चल रही थी, पर मेन क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि इमीडिएट कॉज क्या था कि इन्होंने एक भाई साहब थे मूलराज, अब ये कौन है आपको पता है, 12 मिसल थे, 12 मिसल, तो एक मिसल में जो रूल करते थे मूलराज, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों किया, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स कभी भी, मैंने क्या कहा, ऑफिशियली कभी नहीं बोलेंगे कि हम रूलर हैं यहाँ के, कि मैं गद्दी पे बैठ गया ऑफिशियली। वो गद्दी पे हमेशा वहीं के लोगों को बिठाते थे और इनडायरेक्टली पीछे से खुद रूल करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मूलराज ने रिवॉल्ट कर दिया कि मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं इनके खिलाफ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। आप समझ रहे हो, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए ये। अंग्रेज़ों ने बोला बेटा ये बहुत ज़्यादा उछल रहा है, इसको चुप कराओ। वो गए, दो तीन थप्पड़ मारे, चुप हो गए। इनकी इनको मारने गए थे इस, और बाकी लोगों ने सोचा कि यार अभी सही मौका है, मूल राज कर रहा है, हम भी इस टाइम पे अपना रेवेंज जो ले सकते हैं। दोनों तरफ से अटैक किया ब्रिटिशर्स पे, ब्रिटिशर्स भी ऑलरेडी तैयार थे। फाइनली पूरा सफाया हो गया, राइट। रानी जिंदान को एज अ प्रोटेक्टेड रख दिया, नज़रबंद कर दिया गया। जो खड़क सिंह थे वो भी, उनको भी नज़रबंद किया गया। मूल राज तो ऊपर चले गए, राइट। उसके बाद इन सब इवेंट में फाइनली ये सेकेंड बैटल होती है, जो लड़ाई हुई पूरी, और सिख स्टेट है उसको पूरी तरह से एनेक्स कर लिया जाता है कि भैया अब तो तुम्हारा कोई राजा भी नहीं बैठेगा। आप ये देखो, सिखों में तो ये तक हो गया, आप बल्कि वाडिया डायनेस्टी देखो, मैसूर में तो किसी को बिठाया था नवाब, बंगाल में आप देखो, बंगाल को जब अंग्रेज़ों ने जीता तो किसने किसी को एज अ पपेट किंग बिठाया था, हैदराबाद में बिठाया, मराठाओं में नहीं बिठाया, मराठाओं में भी नहीं बिठाया किसी को, मराठा कन्फेडरेसी खत्म हो गई थी। तो कहीं कहीं जगह उन्होंने बिठाया और कहीं कहीं नहीं बिठाया। तो जहाँ नहीं बिठाया बच्चों, ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट की बात है, ये सिर्फ सुन के भूलने वाली बात नहीं है। जहाँ अंग्रेज़ों ने किसी को बिठाया तो इसका मतलब वहाँ पे कोई राजा होगा और राजा रूल करेगा, और इनडायरेक्टली इसके ऊपर कौन होगा, ब्रिटेन, ठीक है। पर जहाँ किसी को नहीं बिठाया, ये एरिया यहाँ पे राजा को हटा दिया, मार दिया, कोई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली कौन रूल करेगा, ब्रिटेन। यहाँ डायरेक्टली, यहाँ इनडायरेक्टली, जहाँ पे किसी को बिठाया वहाँ इनडायरेक्टली, जहाँ किसी को नहीं बिठाया वहाँ पे डायरेक्टली। ये आगे जाके कंसेप्ट बनेगा, ध्यान रखना, जहाँ डायरेक्टली रूल करेंगे आगे चल के इसका नाम पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया। क्या पड़ेगा, ब्रिटिश इंडिया। फिर जब आप सुनते हो कि ब्रिटिश इंडिया क्या है, तो जहाँ पे अंग्रेज़ डायरेक्टली रूल करेंगे जिन जिन एरियाज़ में, पैचेस में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत। और जहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते हैं, वैसे जयपुर है, जयपुर के राजा ने संधि साइन कर ली अंग्रेज़ों के साथ, तो अंग्रेज़ इनडायरेक्टली जयपुर पे रूल कर रहे थे। मेन डायरेक्टली रूल कौन कर रहा था, जयपुर के महाराजा। तो ये ऐसे जो जितने भी एरिया थे उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। पर जब इंडिया आज़ाद होगा तब मैं समझाऊंगा, फिर आप जब वहाँ पे दो दो बातें आएंगी फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि वो प्रिंसली स्टेट किसको कह रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया किसको कह रहे हैं। बच्चे सोचते हैं ब्रिटिश इंडिया मतलब सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो एरिया जहाँ पे वो क्या करते थे, डायरेक्टली रूल करते थे, कैसे, अपने किसी मिलिट्री ऑफिसर को बिठा देते थे वहाँ पे,
इसके आगे मिलिट्री ऑफिसर को बिठाया भी था। स्पेक्ट्रम की किताब खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, चीफ कमिश्नर करके एक पोस्ट बनाई थी, कहाँ पे, पंजाब में बिठाया था, आप किताब में जाके चेक कर लेना। अजमेर जो राजस्थान में, उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ था। अजमेर भी एक यूटी था, यूटी मतलब अजमेर, पूरे राजस्थान में अजमेर ही ऐसा एक एरिया था, हालांकि उसका नाम अजमेर नहीं था उस समय, अजमेर मेरवाड़ा पूरा नाम ऐसे था, अजमेर मेरवाड़ा करके, उसको ब्रिटेन डायरेक्टली रूल करता था। अजमेर में अगर आप कभी अजमेर सिटी जाओगे, पास में ही स्टेशन से बाहर निकलते आपको फोर्ट विलियम, आज तो पुलिस हेडक्वार्टर बना दिया है वो, वहाँ पे फोर्ट विलियम जो बना हुआ है किला, तो वहाँ पे वो जो मिलिट्री ऑफिसर है वो रहते थे और वो डायरेक्टली रूल करते थे। तो जहाँ पे वो डायरेक्टली रूल करते थे वो एरिया था ब्रिटिश एरिया, उनकी किताबों में वो लिखते थे चीफ कमिश्नरेट एरिया। क्या लिखते थे? चीफ कमिश्नरेट एरिया। क्यों? वहाँ पे किसी चीफ कमिश्नर को अपॉइंट कर देते थे और आगे चल के यही एरिया यूनियन टेरिटरी बनेंगे, मतलब जब देश आज़ाद होगा, आज की यूनियन टेरिटरी नहीं, जब देश आज़ाद होगा तब की बात करूँ, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ये समझ में आ गया। तो इस कंसेप्ट में ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। क्या फर्स्ट सिख एम्पायर, सिख एम्पायर पर एडिंग डालो, तो लिखो सिख एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सिख एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट कॉल मिसल। सिख एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट कॉल मिसल। ठीक है, दैट इज टोटल 12, दैट इज टोटल कितने थे, 12, टोटल 12। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस एम्पायर वॉज मेनली लाइज ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर वॉट, सतलुज। ठीक है, रिवर सतलुज की खास बात यह भी है कि एकलौती ऐसी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया से बाहर ऑरिजिनेट होती है, ध्यान रखना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राइट। इंडस रिवर की आप जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हो तो सतलुज रिवर है वो इंडिया के बाहर से निकलती है, बाकी जितने भी आप पढ़ोगे ना, रावी, ब्यास, ठीक है, झेलम है, ठीक है, वो सब इंडिया से ही निकलती है, फिर बाद में पाकिस्तान जाती है, सारी पाकिस्तान जाती है एक छोड़ के, और सतलुज जो है ये इंडिया से बाहर निकलती है। बेसिकली इंडस रिवर जो निकलती है ना आपको, ये जो इंडस रिवर है यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, तो इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ पे एक नोट है, इस एरिया से डैम चौक, यहाँ से ये जो पॉइंट है जहाँ से इंडिया में एंटर करती है इसको डैम चौक कहते हैं, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ पे नुब्रा वैली है, नुब्रा ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी और आती है नुब्रा रिवर, फिर सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है यहाँ आर्मी पोस्टेड रहती है, फिर इसके ऊपर ये रिवर जाती है, ऊपर जाके फिर पाकिस्तान में ऐसे एंटर करती है, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं, वैरी नाग की पहाड़ियाँ, यहाँ से झेलम नदी निकलती है, फिर वो श्रीनगर, डल झील, ये क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में आया था कि डल लेक का पानी कहाँ से आता है, वुलर लेक इसके पास में एक, ठीक है, फिर यहाँ से एक और रोहतांग पासिस, आपको पता ना, वहाँ से और रिवर्स निकलती है, सतलुज बाहर से निकलती है, सिंधु नदी के साउथ में निकलती है सतलुज, जो आगे जाके सिंधु से मिलती है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया से बाहर से निकलती है, ठीक है, इसको लेकर डिस्प्यूट भी बहुत होता है, फिर लिखो, तो लाइज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर सतलुज। ठीक है, फिर हेडिंग एक सब पॉइंट लिखना, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, अच्छा हेडिंग मत लिखो, नॉर्मल सेंटेंस कर लिखो, महाराजा रंजीत सिंह, आगे डेट लिखना 1801 से 1839, फिर लिखना महाराजा रंजीत सिंह, डेट लिख लिया, उसके आगे लिखना वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ सिख एम्पायर, वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ सिख एम्पायर। ठीक है, सिख एम्पायर के सबसे लास्ट पावरफुल रूलर थे सिख एम्पायर, ब्रैकेट में चाहो तो शेर ए पंजाब लिख लो, कभी एग्ज़ाम में आ जाए किसको कहा जाता था, तो इनका एक निकनेम भी था शेर ए पंजाब। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में लिखना आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा इन 1839, आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा 1839 वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट लाइन में लिखो उसके बाद, बाय दिस टाइम सिख एम्पायर गॉट वीकेंड डे बाय डे, सिख एम्पायर गॉट वीकेंड डे बाय डे, फुल स्टॉप. टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीटी विद पंजाब, ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीटी विद पंजाब, पंजाब इन विच सिख फोर्सेस वर नॉट सपोज टू क्रॉस रिवर सतलुज, सिख फोर्सेस वर नॉट सपोज टू क्रॉस रिवर सतलुज एंड वाइस वर्सा फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन भी ऐसा नहीं करेगा एंड वाइस वर्सा फॉर ब्रिटेन. क्लियर, फुल स्टॉप. अब हेडिंग डालो एक लाइन छोड़ के, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1844-46, कई किताबों में 45 भी लिखा होता है, तो 1844 से 46 एज इट इज, इसको कॉपी कर लो यहाँ, 44 ठीक है. तो यहाँ लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो मेजर ब्रॉड स्टेशन एट अमृतसर एंड वॉचिंग पंजाब क्लोजली, यहाँ तक तो ये लाइन पहली वाली एज इट इज लिखना, मेजर ब्रॉड स्टेशन एट अमृतसर वॉचिंग पंजाब क्लोजली, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में सिख फोर्सेस डेलिबरेटली क्रॉस द रिवर इन 1845 leads to provocation for Britishers, full stop. Next line में a war took place between them उसके आगे लिखना एंड ब्रिटिशर्स डिफीटेड सिख फोर्सेस एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर कॉमा लगा के लिख लो, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 वॉज साइंड बिटवीन देम, ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना ये वाला पॉइंट, सर हेनरी लॉरेंस, प्रॉब्लम तो सारी इन्होंने खड़ी की है दूसरी लड़ाई के लिए, सर हेनरी लॉरेंस अपॉइंटेड एज ब्रिटिश रेजिडेंट एट सिख कोर्ट, ठीक है, इनको एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया सिख कोर्ट, तो सर हेनरी लॉरेंस अपॉइंटेड एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट सिख कोर्ट. नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये पूरा ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया हमारा ख़त्म हो जाएगा इसके साथ ही, ठीक है, एक बहुत बड़ा चंक था ये स्टार्टिंग का. तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49, अब इसमें आप लिखोगे, स्टार्ट करो लिखना, सिख फोर्सेस वर वेरी मच ह्यूमिलेटेड इन द फर्स्ट वॉर, comma,
वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू टेक रेवेंज, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू टेक रेवेंज, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट लाइन, ट्रीटमेंट टू रानी जिंदान। अच्छा, ऐसा कौन था हिस्ट्री में, ऐसा कोई कोई पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया को यूनाइट करने का सोचा था और नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की बात किसने की थी, कौन था ऐसा? बहुत नाम आता है उसका हैं, लड़ाई वड़ाई में उसका नाम आता है, इकोनॉमिक्स में उसका नाम आता है। नहीं, आप तो बहुत आगे चले गए। ये बात है एंशंट हिस्ट्री की, जिसने किताब भी लिखी अपनी, बाहर से कोई अटैक करने आया था तो किसी को बोला कि उसको रोकना ही पड़ेगा, चाणक्य, उसके ऊपर टीवी सीरियल भी बने हुए हैं कलर्स वगैरह पे। इतने हिंट दे दी, बताओ, इतने तो यूपीएससी भी नहीं देता होगा। चाणक्य, सुना है चाणक्य के बारे में, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था, तो वो एक प्रोफेसर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से फिर उनको कौन मिला था, किसके दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने फिर अलेक्जेंडर, आपको पता है द ग्रेट, उनको रोकने के लिए भी, सेलुकस निकेटर को रोकने के लिए भी उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हें रोकना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरा देश तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे उन्होंने अपनी किताब में बातें लिखी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, सीरियस का ही ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट ऐसे ही आलतू फालतू क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये लिख लिया, ट्रीटमेंट टू रानी जिंदान बाय ब्रिटिशर्स वॉज सो बैड दैट इज प्रोवोक्ड पंजाब, ट्रीटमेंट टू रानी जिंदान बाय ब्रिटिशर्स वॉज सो बैड दैट इट प्रोवोक्ड पंजाब। फिर उसके बाद ये लाइन एज इट इज लिखना, इमीजिएट कॉज फॉर ब्रिटिश टू इन्वेड वॉज द रिवोल्ट ऑफ मूल राज, द गवर्नर ऑफ मुल्तान। फिर आखिरी लाइन, सिख स्टेट वॉज एनेक्स्ड। और जब एनेक्स्ड हो गया तो फिर क्या होगा, बताओ? पूरा का पूरा भारत, थ्रू आउट लाहौर, अफगानिस्तान को छोड़ दो, पूरा असम को भी छोड़ दो, असम की उसका ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, फिर उसके बाद बर्मा को भी बाद में वो एनेक्स करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो असम को और बर्मा को कब शामिल करेंगे, वो आगे अपने आप आ जाएगा। अब ये सब हुआ तो फिर कौन खुश हो रहा है, देखो कैप्टन असल, कि भाई सब कुछ जीत लिया, अब तो मैं ही भगवान हूँ यहाँ का, अब मैं जो तेल निकालूंगा इंडियंस का अपनी पॉलिसीज से, तब मज़ा आएगा, तब बच्चे फिर आगे जाके CDS का एग्ज़ाम देंगे, पढ़ाई करेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता ही जाऊँगा। अगर सोचो ये नहीं आया तो कितनी हिस्ट्री कम हो जाती है हमारी, है ना, सोचो मराठा जीत चुके होते तो कुछ और ही हिस्ट्री होती आज। खैर, तो आप ये कहते हैं कि अब आएगा मज़ा, और मज़ा किस बात का, अब आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री शुरू होगी। अब तक तो वो सब ये सब हराने में लगे रहे सबको। एनेक्सेशन इट मींस, अगर अब आप देखोगे तो पंजाब से लेके पूरा सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, बंगाल तक सब कुछ इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो चुका है। और दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अभी भी असम बचा हुआ है, बर्मा बचा हुआ है, उनके साथ तो मजाक हो जाएगा। कैप्टन असल क्या करेंगे, इनकी भी आपको पता ही है, ये इनकी प्लानिंग क्या होगी, ये क्या करेंगे, असम मान लो, असम ये है, बर्मा नीचे, आपको पता ना, म्यांमार आज की डेट में, तो ये असम को बोलेंगे, वहाँ पे रूल करते थे अहोम किंग्स, वो मैं जब ये चीज़ होगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो उनको बोला कि देखो हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमें तो आपके रास्ता दो, हमारी मिलिट्री जाएगी बर्मा में, उनको फोड़ फाड़ के आएगी, राइट। तो बोले ठीक है, तो यहाँ से ये गए, इनको फोड़ दिया, इसको एनेक्स कर लिया, आते समय इनको भी फोड़ दिया। तो आप सोचो ये हुआ क्या, असम के साथ में ट्रेजेडी हो गई थी, असम ने बोला यार ये क्या बकवास है, हमने तो आपको इतनी इज्जत दी, आपको जाने का रास्ता दिया। तो कैप्टन असल ने बोला भाई मैं क्या करूँ, मेरी तो आदत है, जहाँ पे जो रास्ता मिल जाए मैं वहीं पे खुश हो जाता हूँ। तो ये बस एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं अलग से आपको लिखवाऊंगा ये सब जब उनकी डेट्स आएगी क्रोनोलॉजी में, ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले ये फिर ये, जब क्रोनोलॉजी में आएगी तो अपने आप लिखवाऊंगा।
नॉट टू बी वरी. अब आपको ध्यान रखना है, हाँ उस टाइम अब आपको ध्यान रखना है कि एनेक्सेशन जो इंडिया का हुआ उस टाइम पे, फिर दो बातें फिर मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ, उन्हीं के ऊपर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे. एनेक्सेशन आपको पता है किस दो तरीके से किया गया था, एक तो क्या था ऑप्शन उनके पास, वॉर, और सेकंड क्या था, ट्रीटी. तो अब तक हमने क्या पढ़ा, वॉर का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया, कि इंडिया को कैसे जीता, किसका यूज़ करके, वॉर का. ठीक है, अब तक आप यही तो पढ़ रहे हो, एंग्लो वॉर, ये वॉर, फलाना वॉर मराठाओं के साथ. तो लड़ाई करके जितना एरिया कैप्चर कर सकते थे किया, उसके बावजूद भी बहुत चीज़ बच गई थी. राजस्थान पूरा बच, राजस्थान की एक भी लड़ाई सुनी आपने अभी तक? राजस्थान की एक भी लड़ाई नहीं सुनी, क्योंकि राजस्थान की एक भी लड़ाई हुई नहीं. मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत आराम से प्यार मोहब्बत में सब कहानी हो जाती है. तो जो प्यार का लॉलीपॉप था वो ये था, ब्रिटिशर्स कैप्टन एंसल ने बोला जो इससे मान गए ठीक है अब इस पे कार्रवाई शुरू करो. हालांकि ये जब चीज़ें हो रही थी तब साथ साथ में ये भी हो रहा था, बट हम अलग से पढ़ेंगे सीक्वेंस से प्रॉपरली. तो मतलब वॉर वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया आपका, ध्यान रखना. ब्रिटिश कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया कैसे किया था, बाय द हेल्प ऑफ टू वेपन्स, वॉर एंड ट्रीटी. वॉर तो वॉर में सबसे पहले किसको जीता था बच्चों, बंगाल. सीक्वेंस याद करो, उसके बाद मैसूर, मैसूर के बाद मराठा, उसके बाद सिख एम्पायर. ठीक है, सिख एम्पायर. अब जो बाकी रह गए, ये तो बड़े बड़े एम्पायर थे उस टाइम के, मुगल इसमें निपट गए थे, ध्यान रखना. ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रीटी की. ट्रीटी आपको पता है दो तरह की थी, एक तो क्या थी, सब्सिडरी अलायंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक संधि, और दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दिस इज द सेकेंड ट्रीटी. कल हम ये और ये दोनों ख़त्म कर लेंगे, पक्का पक्का. सीडीएस में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% चांसेस है इस बार भी आएगा, क्योंकि 2021 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब पूरे चांसेस अगली बार क्वेश्चन आएगा. समझ में आ रहा है, ये हमेशा इस पैटर्न को आप नोटिस करना, आपको क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा. ये कौन लेके आए थे, वेलेसली, रिचर्ड वेलेसली. ये कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, वो मैं आपको कल समझाऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, इस पे नोट्स भी हम बना लेंगे इसके ऊपर. फिर एक बार तो आप ये पूरा पढ़ लोगे, फिर उसको हिलाओ मत. फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके अंडर किन किन स्टेट्स को एनेक्स किया ब्रिटिशर्स ने, सब्सिडरी अलायंस का यूज़ करके जिन जिन राज्यों को अपने अंदर शामिल किया, उसका सीक्वेंस यूपीएससी आपसे पूछेगी. ठीक है, कि भाई सबसे पहले किसके सामने फेंकी सब्सिडरी अलायंस, लाओ भाई साइन करो हमारे अंडर आ जाओ, तो वो सीक्वेंस पूछेंगे आपसे. ठीक है, सबसे पहले हालांकि अवध के साथ हुआ था, मैं बताऊंगा, उसके बाद हैदराबाद के साथ, वो सीक्वेंस मैं आपको पूरा बताऊंगा. तो वो सीक्वेंस मैं आपको लिखवा दूंगा, 4-5 स्टेट है पर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर जब ये डलहौजी साहब आएंगे, तो ये जब वो ये ट्रीटी लेके आएंगे, तो इन ट्रीटीज़ का यूज़ करके किन किन राज्यों को किसमें ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया, तो वो सीक्वेंस भी आपसे पूछेंगे. 1848 सतारा से शुरू हुआ महाराष्ट्र में, फिर जयपुर वगैरह, उदयपुर राजस्थान का, उसका भी नंबर आता है. तो ये सब सीक्वेंस आपसे पूछेंगे. जब ये पूरा टॉपिक, मतलब कल एक लेक्चर और चाहिए, ये ख़त्म हो जाएगा हमारा. तो आप सीक्वेंस में अब तक हमने क्या पढ़ा, कि यूरोपियंस आए उनका सफाया हो गया, जो लोकल रूलर्स थे उनका सफाया हो गया, कैसे, इन दो चीज़ों का यूज़ करके सबका सफाया हो गया. अब ब्रिटेन एकदम क्या है, राज बिल्कुल पूरा इंडिया मेरी मुट्ठी में है ना, कर लो इंडिया मुट्ठी, वो कौन सी ऐड हो, तो वो इंडिया सच में मुट्ठी में कर लिया इन्होंने. अब ये क्या करेंगे, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई कहने वाला है नहीं, भाई घर में आप अकेले हो तो कुछ भी करते हो ना, आपको पता ही है. तो अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी लाएंगे, कि पहले तो टैक्स बढ़ाऊँ, टैक्स बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे हम, कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, पहले तो वो पढ़ेंगे. इनकी रेवेन्यू पॉलिसी 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं. ठीक है, रैयतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सिस्टम, ये सब क्या थे, बहुत सिंपल वे में इसको पढ़ेंगे. उसके बाद सारे नोट्स वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन कब आई वो हम पढ़ेंगे, और पर्पस क्या था लाने का. उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी एजुकेशन के बाद में रेलवेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, थोड़ा बहुत आधा घंटे का चैप्टर वो भी है, उसको हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको रेलवेज का डेवलपमेंट देख लिया, फिर आपने ना प्रेस, अखबार वगैरह जो आप पढ़ते हो आज की डेट में, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत रोल आता है, तो वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो हम देखेंगे. ये 4-5 टोटल मिला के 6 पॉइंट्स हैं. हिस्ट्री को बहुत ईजिली समझना है आपको, दिमाग में स्टोरी जा रही कि नहीं जा रही, पूरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टोरी नहीं जाएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. तो आपको क्या करना है, आप समझो ना, मुझे कहीं राज करना है, मैं इस कमरे में क्या करूँगा, जो पहले से लोग हैं उनको मार मार के बाहर निकालूंगा, मैं अपने कमरे को अपने हिसाब से सजाऊंगा, बात समझ में आ रही है, फिर बाद में जिसका होगा वो लेने आएगा. तो इट मीन्स
कि अंग्रेजों ने भी यही किया। अगर आप वो पॉलिसी समझ गए कि कितना आप हरेसमेंट इंडियंस का किया, तब फिर आपको ये समझ में आएगा कि हमने जवाब क्यों दिया। समझ में आ रहा है? अब सीधा 1857 की रिवॉल्ट पे आ जाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा कितनी तकलीफ़ें दी हैं, तब जाके जवाब हमने देना शुरू किया। फिर अब जब जवाब हम देना शुरू करेंगे उसके बाद से फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगा, तब जाके हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी। समझ में? तो एंशिएंट मेडिवल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे टाइम भी हम इसी को ही देंगे। एंशिएंट मेडिवल बहुत कम आपको करके जानी है, कम का मतलब ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करना, क्योंकि कितना भी फोकस कर लो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हवा नहीं लगेगी एग्ज़ाम के अंदर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स में वो तो मैं सब हम कवर करेंगे, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा भी बच्चों एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होने वाले, किसी से भी नहीं, किसी बच्चे से नहीं, ये आप मान के चलो। ठीक है, वो मैं आपको जब भी पेपर होगा मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो, ना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। फिर यूपीएससी इसलिए देता है ताकि बच्चे पूरे पूरे स्कोर ना कर ले। आजकल लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ऊपर जा चुका है। क्लियर? तो आज के लिए सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।